कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में खतरनाक होती जा रही है। हालात बेकाबू हो चुके हैं, बढ़ते खतरे के बीच तेजी से लगातार मामले और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। देश के कई शहरों में लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार और घातक हो रही है, नए केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब 24 घंटे में दर्ज केसों में भारी उछाल देखने को मिला है। आंकड़ा 1,31,000 के पार रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 1,30,00,000 के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मौत का आंकड़ा 780 दर्ज किया गया है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,30,60,542 पर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 1,67,642 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ कोरोना को मात देने वाले लोगों का आंकड़ा देश में 1,19,13,292 पर है। न्यूज़ डेस्क।